झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के झोपड़ी में रहने वाली नाबालिग लड़की का शारीरिक शोषण करने वाले भाई के ससुर और भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी करने में जुट गई है। आपको बता दें कि घटना सेक्टर 12 थाना क्षेत्र की है, जहां झोपड़पट्टी में रहने वाली 13 से 14 वर्ष की नाबालिग लड़की की शारीरिक शोषण उसके ही भाई के ससुर के द्वारा करीब 4 से 5 महीने से किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लड़की की मां ने सेक्टर 12 थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर उसके भाई और भाई के ससुर श्रवण कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि लिखित आवेदन पर पीड़ित लड़की ने बताया कि इस काम में उसका भाई अपने ससुर को सहयोग करता था और जब इसके बारे में अपनी माँ को बताई तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ। एक नाबालिग लड़की है, 14-15 साल की है। इसके भाई उसके भाई का ससुर के द्वारा उसका उसके साथ दुष्कर्म करीब 4-5 महीने पूर्व से हो रहा है ना। आज मैं जा करके की है बताई कि मेरे भाई ये सब व्यवस्था कर रहा था अपने उसके ससुर के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए। कई बार बनाया है अवैध संबंध, उसी में दोनों भाई और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया है। और अनुसंधान में और कोई बात आता है तो हम लोग देखते हैं क्या है, शारीरिक गर्भवती है बोल रही है, उस पर भी हम लोग अनुसंधान करें। सर, ये पोक्सो एक्ट का मामला है। जी जी, आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। जी जी, एकदम दोनों आरोपी को